कास्टिंग से ज्वेलरी पीसीज निकल के आते हैं। वो पीसीज के सरफेस काफी रफ होते हैं। वो सरफेस को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए हम ज्वेलरी को पॉलिश करते हैं। Wearing personal protective equipments। सबसे पहले आप अपने एप्रन को पहनेंगे, उसके बाद अपना सर कवर करने के लिए आप कैप पहनेंगे, उसके बाद हम एल्बो स्लीव्स पहनेंगे, अपने हाथ कवर करने के लिए आप अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद आप दोनों हाथों के अंगूठे और पहली उंगलियों में कॉटन फिंगर स्लीव्स पहनेंगे ताकि हम ज्वेलरी पीस को अच्छे से ग्रिप करके काम कर सकें। उसके बाद हम हमारे नाक और मुंह को धूल मिट्टी से बचाने के लिए एक मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इन सुरक्षित उपकरणों के बाद आप मशीन पर काम करने के लिए तैयार हैं। पॉलिशिंग वर्क स्टेशन कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बेंच मोटर है, ये हैंड माइक्रो मोटर है, इसका ये हैंड पीस है जो माइक्रो मोटर से जुड़ा हुआ है। ये माइक्रो मोटर का फुट पैडल स्विच है जिससे हम इसका पावर कंट्रोल करते हैं। मशीन के सामने सीधी पीठ रख कर बैठे, जिससे लंबे समय काम करने के बाद भी आपको बदन दर्द जैसी समस्या ना हो। ये हेयर बफ है, हम इसे बाल बफ भी कहते हैं। हम इसे सेटिंग एरिया को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फेल्ट बफ है, इसका इस्तेमाल हम फ्लैट सरफेस एरिया पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्टिच बफ है, इसका इस्तेमाल आउटसाइड एरिया पॉलिश करने के लिए करते हैं। इसे लाइट बफ कहते हैं, इसको हम आखिर में फाइनल शाइनिंग सरफेस बनाने के लिए करते हैं। ये ब्लू लस्टर है, ये रफ सरफेस को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। आमतौर इसको हेयर बफ, फेल्ट बफ, पैसा बफ, स्टिच बफ और इनसाइड कोन क्लोथ के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये वाइट लस्टर है, ये स्मूथ सरफेस में शाइन लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आई ग्लास है, इससे आप बारीकी से ज्वेलरी का क्वालिटी देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आम पेंट ब्रश है, इसका इस्तेमाल हम डस्ट कलेक्शन और वर्क स्टेशन साफ करने के लिए प्रयोग करेंगे। ये वाइट पैसा बफ है, इसका इस्तेमाल हम क्रिटिकल एरिया पॉलिशिंग के लिए करेंगे। इसे हैमर कहते हैं, इसका प्रयोग ज्यादातर रिपेयरिंग में होता है। ये ब्लैक पैसा बफ है, ये बिल्कुल वाइट पैसा बफ जैसा ही है, पर इसके बाल वाइट पैसा बफ से ज्यादा हार्ड होते हैं। अब हम सारे टूल्स को मोटर में लगा के देखेंगे। अब हम मशीन को ऑन करेंगे।
ऑन करने के बाद आप सबसे पहले सक्शन चेक करेंगे। आप नेट से हवा अंदर जाते हुए महसूस करेंगे। हेयर बफ को 400 ग्रेड के एमिरे पेपर से हल्का सा ड्रेस कीजिए ताकि इसके बाल हल्के से नरम हो जाए। व्हाइट बफ और येलो स्टिच बफ को ड्रेसिंग करने के लिए भी 400 ग्रेड के एमिरे पेपर का ही इस्तेमाल करेंगे। फेल्ट बफ में सबसे पहले बीच में एक छेद करेंगे ताकि वो रोटेटर में फिट हो जाए। उसके बाद हम इसको व्हाइट लस्टर और 400 ग्रेड के एमिरे पेपर से ड्रेस करेंगे। इस तरह हैंड पीस के बफ्स को भी हम एमिरे पेपर से ड्रेस करेंगे। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसको बेंच पॉलिशर पे अच्छे से रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम ब्लू लस्टर की मदद से उसको सख्त कर देंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। पॉलिशिंग से पहले पीस कुछ इस तरीके का दिखता है। सरफेस ज्यादातर रफ और बिगर शाइन के होते हैं। ये सेटिंग एरिया है। इसको पॉलिश करने के लिए हम हेयर बफ और ब्लू लस्टर का इस्तेमाल करेंगे। क्रिटिकल एरियाज और कॉर्नर्स के लिए हम हैंड पीस के साथ पैसा बफ और ब्लू लस्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कॉटन के कपड़े का प्रयोग करेंगे, रिंग के अंदर के हिस्से को पॉलिश करेंगे। रिंग के फ्लैट सरफेस को पॉलिश करने के लिए फेल्ट बफ का इस्तेमाल करेंगे। स्टिच बफ से पूरे ज्वेलरी पीस को पॉलिश करेंगे और आखिर में लाइट बफ से पूरे ज्वेलरी पीस को चमकाएंगे। इसके लिए हम व्हाइट लस्टर का इस्तेमाल करेंगे। अंत में आई ग्लास से पूरे पीस की जांच करेंगे। आखिर में पॉलिशिंग के बाद आपका पीस कुछ इस तरीके का दिखेगा। काम खत्म होने के बाद ज्वेलरी पीस को अपने सुपरवाइजर को सौंप दे और रिपोर्टिंग कर दे। माउंट्स को हटाने के लिए हम हैमर
और ब्लू व्हील बफ का इस्तेमाल करेंगे। ओवर पॉलिश पीस को सही करने के लिए हम हैंड मशीन में एमरी व्हील लगाकर सरफेस को एक समान बनाएंगे। सरफेस को एक समान बनाने के बाद फेल्ट बफ का इस्तेमाल करते हुए सरफेस को स्मूथ बनाएंगे। के बाद स्टिच बफ और लाइट बफ व्हाइट लस्टर लगाकर पीस को पॉलिश करेंगे। पोरोसिटी को हटाने के लिए हम हैमर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद येलो स्टिच बफ और ब्लू लस्टर से सरफेस को स्मूथ बनाएंगे। फिर आखिर में लाइट बफ और व्हाइट लस्टर से पीस को पॉलिश करेंगे और चमकाएंगे। मिसिंग पॉलिश या अंडर पॉलिश पीस को सही करने के लिए येलो स्टिच बफ और ब्लू लस्टर से सरफेस को स्मूथ बनाएंगे। फिर आखिर में लाइट बफ और व्हाइट लस्टर से पीस को पॉलिश करेंगे और चमकाएंगे। डेंट्स को सही करने के लिए हम पहले लेजर मशीन से कैविटी माने गड्ढे में मेटल भरेंगे। वो करने के बाद पॉलिशिंग बॉक्स में ज्वेलरी पीस को लाकर हम हैमर से सरफेस को एक समान बनाएंगे। येलो स्टिच बफ और ब्लू लस्टर से सरफेस को स्मूथ बनाएंगे। फिर आखिर में लाइट बफ और व्हाइट लस्टर से पीस को पॉलिश करेंगे और चमकाएंगे। पॉलिशिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद मशीन को बंद कर दे। ब्रश की मदद से सक्शन एरिया के नेट को अच्छे से साफ कर दे
पॉलिशिंग बॉक्स के हर एक कोने को अच्छे से साफ कर दे। अब सारा सामान अपने स्थान पर रख दीजिए और लाइट्स ऑफ कर दीजिए।